जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पत्रकारों के लिए कलेक्टर साहब ने विशेष रूप से अपना कोविड-19 के वैक्सीन के लिए ये सब यहाँ पे बुलाया हुआ था और यहाँ पे मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा करीब पत्रकारों ने अपने परिवारों के साथ में इस वैक्सीन को लगवाया है और हमारे बीच में वरिष्ठ डॉक्टर अदनिया ये जानकारी दे पाएंगी। मैडम आप बताएं कि ये आज की जो वैक्सीन लग चुकी है पत्रकारों को, अब इसके बाद में फिर कब आना है? चार्ट मेडिकल ऑफिसर हूँ सिविल डिस्पेंसरी पार्का बाजार के और आज माननीय कलेक्टर साहब एवं CMHO सर के माध्यम से उनके आदेश अनुसार सिविल डिस्पेंसरी पार्का बाजार में ऐसे स्पेशली पत्रकार बंधुओं के और उनकी फैमिलीज के लिए स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कि वो लोग हमारे टीकाकरण अभियान का एक हिस्सा बन सके और देश की प्रगति में इसमें योगदान दे सके। तो करीब हमारे यहाँ अभी 250 वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है और करीब 4 बज रहे हैं और इसमें करीब 100 पत्रकार बंधुओं ने हमारे लोगों ने लगवा लिया है। काफ़ी खुश हैं वो और काफ़ी सेटिस्फाइड होकर गए हैं यहाँ से और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो कोविशील्ड हमारे यहाँ लगा है तो अभी उसका 6 to 8 weeks का पीरियड बताया गया, तो आफ्टर दिस 45 days के बाद फिर आ सकते हैं और हमारे डिस्पेंसरी में या जहाँ भी वो चाहते हैं वहाँ पर वो अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं, वो मैसेज आ। अच्छा मैडम एक जानकारी दें, जैसा कि इसके बारे में प्रचारित किया जाता है कि इसकी वजह से चक्कर आते हैं या फिर बुखार आता है वैक्सीन लगने के बाद में और किसी तरह की कोई परेशानी आती है, तो ये कहाँ तक सत्य है? हाँ, इसमें सत्यता है कि थोड़ा सा बुखार आ सकता है और थोड़ा सा हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, बट ये नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल चीज़ है ये, बिल्कुल इसमें बिल्कुल डरने की और घबराने की बिल्कुल बात ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैक्सीन ज़रूर सेफ है। कोविड हो जाने से बेहतर है कि हम लोग जो है वैक्सीन लगवा लें क्योंकि कोविड ज़्यादा खाते हैं। और मैडम ये कितने दिन बाद अब पत्रकारों को ये सूचना मिलेगी या जिनको ये वैक्सीन लग चुकी है उनको कितने दिन बाद सूचना मिलती है मोबाइल द्वारा या आपके द्वारा? कुछ लोगों को तो मैसेज अभी तुरंत ही तुरंत मिलते जा रहे हैं लेकिन एक दिन तक उनको इंतजार करना है, कल तक कंप्लीट सब लोगों को मैसेज पहुँच जाएगा और वो लोग अपना डोज लगवा सकेंगे। वैसे भी जब भी हमारे यहाँ वैक्सीन लगता है तो 3 बातें जरूर बताई जाती है मुख्यतः कि ये कोविशील्ड लग रहा है, 45 days के बाद लगेगा और रेस्टिंग पीरियड इसमें आधा घंटा है और आप रेस्ट रूम में बैठने के बाद ही जाओ। मैडम आज कितने वैक्सीन का इंतजाम है? आज हमारे देखिए वैक्सीन हमारे पास आप अनलिमिटेड है, आप जितने भी लोग ला सकते हैं। पत्रकार बंधुओं का हमारा ये था कि 200-250 लोगों का हमारे को यहाँ वैक्सीनेशन करना है तो उस हिसाब से पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास अभी भी है। मैडम इसमें आपने पत्रकार किन किन को माना है, मतलब किस तरह से आपने ये तरीका अपनाया कि कौन पत्रकार है कौन नहीं है, क्या आपने जनसंपर्क से ये लिस्ट ली थी या कहाँ से ये आपने ये सब कैसे जज कर पा रहे थे आप? जज हम ऐसे कर पा रहे कि CMHO सर का आदेश था कि पत्रकार बंधुओं के लिए करना है तो जब वो आ रहे हैं तो अपना आईडी कार्ड दिखा रहे हैं और इससे पहले जनसंपर्क अधिकारी आई थी, सबसे पहले इनॉग्रल उन्हीं से हुआ था और CMHO सर भी आए थे और उन्होंने फिर सबने आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्होंने बता दिया कि हम लोग आई कार्ड लेकर ही आएंगे और जो आई कार्ड देखने के बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। धन्यवाद मैडम आपका शुक्रिया और अब मैं चाहूँगा सभी पत्रकारों से मेरा आग्रह है कि वो शाम 5 बजे तक अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ। जैसा कि बताया गया है कि 45 वर्ष उम्र जिनकी हो चुकी है वो जरूर आएँ और बाकी फिर अगला जैसा निर्देश मिलता है कार्य करते रहें। और मैं एक बार फिर यहाँ के स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इतने अनुभवी लोग हैं कि वैक्सीन लगवाते समय पता ही नहीं चल रहा कि ये कब लग जाती है। धन्यवाद।